यूं तो नगर परिषद भैसोदा नगरी रूप कायाकल्प के लिए सीसी रोड व नाली निर्माण जैसे कई विकास कार्य करवा रही है, पर ब्रेनब्रिज स्कूल के पास वाला आम रास्ता कीचड़ से सना है। पास में स्कूल व कॉलेज होने से स्टूडेंट्स और लोगों को बारिश के मौसम में आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। पास ही के आम रास्तों पर रोड लाइट नहीं होने से रात के अंधेरे में महिलाओं को निकलने में डर बना रहता है। ऐसे में वार्ड वासियों ने कीचड़ से निजात के लिए रोड व रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटों की मांग भी की व स्कूल संचालक ने स्वयं के ही खर्चे पर मुहर्रम डलवाई है। लगातार नगर परिषद में जो है सीसी रोड का काम चल रहा है, नाली निर्माण का काम चल रहा है, करोड़ों रुपए के बजट से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, कायाकल्प के लिए भी पैसा आया है, सौंदर्यकरण का भी काम जारी है, लेकिन देखने में आया है कि जो ये सड़क है आपके स्कूल के पीछे की, वो उसमें आप जो लोग हैं सभी वो जन सहयोग से काम कर रहे हैं। क्या ये सड़क आपके पास नहीं है? सर, जन सहयोग से नहीं, हम लोग इसको निजी खर्च से बना रहे हैं, क्योंकि हमारा तो डेली का काम है इधर से निकलना, वाहन भी हमारे निकलते हैं और पूरे भवानी मंडी शहर से लगभग 600 से 700 अभिभावक भी स्कूल की तरफ आते हैं, तो ये स्कूल का प्रमुख मार्ग है, तो इसलिए हम लोग इसको अपने खुद के खर्च से ठीक कर। अच्छा, तो इसमें लोग भी लगे हुए हैं आपके? ये श्रमिक हैं क्या? ये मेरे स्कूल के कर्मचारी हैं सारे। अच्छा अच्छा। हम लोग कंधार थाना क्षेत्र के माकोड़े गांव में एक वृद्ध महिला की चाय बनाते समय गैस चूल्हे के भभकने से आग लगने के कारण इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में देर रात मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला एक विवाहित पुत्र 36 साल का है। हेड कांस्टेबल सुरेश चंद ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। चौमला से इसकी मीडिया के लिए रमेश मोदी। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द